साहस सरोकार। कल बातचीत के टेबल पर होंगे भारत अमेरिका, कई मुद्दों पर होगी चर्चा। सीएम योगी ने आरोग्य मेले का किया शुभारंभ, गोरक्षनाथ मंदिर में कन्या पूजन भी किया। राहुल गांधी के बयान पर मायावती का पलटवार, कहा कांग्रेस की हालत खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे जैसी। देश में कोरोना के 1054 नए मामले, पिछले 24 घंटे में 29 लोगों की मौत। श्रीनगर में एनकाउंटर, सीआरपीएफ पर हमला करने वाले एक आतंकी ढेर, ऑपरेशन जारी। यादव, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 3 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर में हैं, जहां सीएम योगी ने जंगल कौड़िया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आरोग्य मेले का शुभारंभ किया। यह मेला शाम 4 बजे तक चलेगा। जन आरोग्य मेला का शुभारंभ होने से एक ही स्थान पर लोगों को डॉक्टर, डायग्नोस्टिक एवं दवाइयों की सुविधा मिलेगी। साथ ही रामनवमी के मौके पर सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में कन्या पूजन भी किया। बहुत अच्छा लग रहा है, योगी आदित्यनाथ जी ने मुझे भोजन कराया, दक्षिणा दी और मेरा पैर धुलवाया। पहले उन्होंने मुझे टीका लगाया, फिर पैर धुले मेरे, फिर उन्होंने मुझे भोजन करवाया, 100 का नोट दिया, चुनरी दी और फिर 20 करवाया। बहुत अच्छा लग रहा है, योगी जी हर साल ऐसे ही कार्यक्रम करते हैं, हर साल हम आते हैं, हर साल वो हमारा पैर धुलते हैं हमारा पैर। और सबसे अच्छी बात यह है कि हम लोग का हमेशा पैर छूते हैं वो, और हमें टीका लगाते हैं, चुनरी उड़ाते हैं, माला पहनाते हैं, भोजन खिलाते हैं, रोटी पवाते हैं। सीएम योगी ने गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर में कन्या पूजन भी किया, कन्याओं को भोजन कराया, साथ ही साथ उन्होंने जंगल कौड़िया में आरोग्य मेले का शुभारंभ किया। आरोग्य मेले का में लोगों को एक ही कैंपस में एक ही जगह पर दवाइयों के साथ साथ डॉक्टर और डायग्नोस्टिक की हर एक फैसिलिटी अवेलेबल होगी। वहीं उनके साथ साथ कई लोग भी मौजूद रहे। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से वो एक बच्ची को प्यार करते हुए नजर आ रहे, और साथ ही साथ दूसरी तरफ कन्याओं के पैर धुलकर उन्हें भोजन कराते हुए नजर आ रहे हैं। खबर गाजियाबाद से है, जहां दिल्ली गेट स्थित सिद्धिपीठ माता मंदिर में नवमी के दिन भक्तों की भीड़ लगी रही। सुबह से ही भक्त माता को चुनरी और प्रसाद चढ़ाकर माता का आशीर्वाद ले रहे हैं। वही लोग कन्या को भोजन करा के अपने व्रत पूरे कर रहे हैं। वहीं सिद्धिपीठ देवी माता मंदिर के पुजारी ने बताया कि इस मंदिर की बहुत मान्यता है, ये 500 साल पुराना मंदिर है। यहाँ जो भी भक्त अपनी मन्नत लेकर माता के दरबार में आते हैं, माता उसकी इच्छा अवश्य पूर्ण करती हैं। मैंने 9 दिन के फास्ट रखे थे और नवमी के दिन कन्या पूजन किया जाता है, बहुत महत्व होता है हमारे में हिंदुओं में इस चीज का। मैं यहाँ पर नवरात्रि में कंचक में आई हूँ। कंचक लोग हमें खिलाते हैं, क्योंकि हम देवी का रूप माने जाते हैं, और लोग अपना व्रत पूरा करते हैं हमें खिला। हमें देवी के समान माना जाता है, इस वजह से कन्या खिलाई जाती हैं। ये 500 वर्ष पुराना मंदिर है, सिद्धपीठ मंदिर है। माता जी के दरबार में जो कोई सभी आते हैं उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, और ये बहुत पुराना मंदिर है, बहुत दूर दूर के लोग आते हैं, अपनी फरियाद जो करते हैं सभी मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं। और पहला नवरात होता है, शैलपुत्री, द्वितीया, तृतीया, ऐसे सभी देवियों का होता है। आज नवमी का तिथि है, और इन्हें खुशहालियाँ के साथ सभी माइयाँ दाइयाँ आएंगी, भजन कीर्तन करती हैं, और माता जी के दरबार में 12 बजे भोग भंडारा कन्याओं का खिलाया जाएगा। 11:30 बजे भोग भंडारा होगा, 12 बजे भोग लगेगा माता जी।
देश भर में आज रामनवमी मनाई जा रही है। चैत्र नवरात्रि का शुभ पर्व 2 अप्रैल से शुरू हुआ था और अब आज समाप्त होने जा रहा है। रामनवमी का बहुत महत्व है क्योंकि इस दिन को भगवान राम के जन्म दिन के रूप में मनाया जाता है, जिन्हें भगवान विष्णु के 7वें अवतार के रूप में जाना जाता है। वहीं इस मौके पर पीएम मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू समेत कई नेताओं ने रामनवमी की बधाई दी। राष्ट्रपति कोविंद ने ट्वीट कर लिखा, भगवान राम ने हमें सदाचार, सहृदयता, दया और भाईचारे के मूल्यों का अनुकरण करने के लिए प्रेरित किया। इसके अलावा पीएम मोदी ने भी बधाई देते हुए कहा, भगवान श्री राम की कृपा से हम किसी को जीवन में सुख शांति और समृद्धि प्राप्त हो। आज से 18 प्लस एज ग्रुप वाले कोरोना का बूस्टर डोज लगवा सकेंगे। बूस्टर डोज सभी प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर पर उपलब्ध होगी। इसके अलावा पहले और दूसरे डोज के लिए सरकारी टीकाकरण केंद्रों के माध्यम से चल रहे मुफ्त वैक्सीनेशन प्रोग्राम के साथ साथ हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 प्लस एज ग्रुप के लिए बूस्टर डोज जारी रहेगा। साथ ही इसमें और तेजी लाई जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्राइवेट स्कूलों को फीस बढ़ाने की इजाजत दे दी। हालांकि सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि सालाना फीस में 5% से ज्यादा बढ़ोतरी न की जाए। बता दें कि इससे पहले कोरोना के चलते फीस बढ़ाने पर रोक लगा दी गई थी। अब राज्य सरकार की तरफ से जारी किए गए पत्र में बताया गया है कि कोविड-19 के कारण पैदा हुई समस्याओं और परेशानियों के कारण लॉकडाउन घोषित कर दिया गया था, जिसमें छात्र छात्राओं के अभिभावकों को रोजगार में दिक्कत आने लगी थी और स्कूल में फीस जमा करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। खबर बदायूं के विसौली से है, जहां एक तरफ भाजपा सरकार कहती है कि पत्रकारों को धमकाने वालों के खिलाफ तुरंत मुकदमा लिखकर जेल भेजा जाए, वहीं विसौली नायबत तहसीलदार पत्रकारों के साथ अभद्रता व्यवहार करने के से बाज नहीं आ रहे। मामला अफगने गांव के ग्राम समाज की भूमि से अवैध कब्जा हटवाने का है, जहां नायब तहसीलदार बिसौली फोर्स के साथ अफगने गांव पहुंचे, जिसके बाद पत्रकार मोबाइल से वीडियो बनाने लगे, जिसके बाद पत्रकार ने नायब तहसीलदार से अवैध कब्जा मुक्त कराने के सवाल पर पूछे जाने के बाद नायब तहसीलदार भड़क गए और मोबाइल जब्त करने का आदेश दिया। वहीं अलीगढ़ के थाना दादो क्षेत्र के गांव नगलाले में गांव की पैमाइश करने तहसील अतरौली की टीम पहुंची, जिसके बाद दो पक्षों में विवाद हो गया। विवाद के दौरान कासगंज में रहने वाले एक बुजुर्ग की मौत हो गई। वह बुजुर्ग की मौत से गुस्साए ग्रामीणों ने राजस्व टीम पर पथराव किया, जबकि अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग कर बड़ी मुश्किल से जान बचाई। जबकि इस पूरे मामले के बाद ग्रामीणों ने दूसरे पक्ष पर वृद्ध की हत्या का आरोप लगाते हुए दानो थाने में 5 लोगों के खिलाफ तहरीर दी, जिसके आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। सुकुमार कागजों में दर्ज है, उसको लेकर जो है प्रार्थना पत्र विभिन्न पक्षों द्वारा दिया गया था और उस प्रार्थना पत्र के क्रम में राजस्व टीम जो है वहां पर आके पैमाइश करने आई थी और मौके पर क्षेत्रीय नायब तहसीलदार जो है उनके नेतृत्व में टीम थी, पैमाइश वगैरह कर रहे थे। उसके बाद जैसा कि मुझे बाद में जानकारी मिली, मैं मौके पर आने में पता चला कि एक किसान, एक पक्ष जो था उनके कुछ रिश्तेदार भी वहाँ पर आए हुए थे और उसमें से एक वृद्ध रिश्तेदार जो है उनको या तो हार्ट अटैक हुआ है या कुछ कोई बात हुई है। हालांकि कुछ पक्षों का ये कहना है कि दूसरे पक्ष ने धक्का दे दिया है, जैसे भी है उनको जो है और उनकी मृत्यु हो गई। सर मेरा नाम प्रथम कुमार है। कहाँ रहते हैं प्रथम? ना गाँव मेरा पचलाना है, जिला कासगंज है। सर मेरे ये रिश्तेदार हैं और जी मेरी जो डेथ हुई है वो मेरे रिश्ता में पिताजी लगते हैं कनेक्शन में। तो सर इनका ये विवाद चल रहा था, 20 साल विवाद चल रहा था, तो पहले भी मुकदमा जी जीत चुके थे इसी केस के लिए। तो मतलब मैं भी आया था पहले, जब नापतौल हुई थी तो इन्होंने लेखपाल को पैसा दे के और इन्होंने नापतौल, मैं यहाँ खुद मरुसी नपत करा के गया था पहले, तो मैं समझा के गया। आज क्या मामला हुआ है? आज यहाँ सर हुआ था, इन लोगों को कोई सूचना नहीं दी गई कि हम नापतौल करने के लिए आए जी। उसके बाद जब नापतौल हुई तो इनको बंधक बना लिया जी मेरे बहनोई साहब ने।
गाजीपुर में एमएलसी चुनाव के मतदान में आज 98.88% मतदान हुआ। कुल 16 केंद्रों पर 3,132 मतदाताओं के सापेक्ष 3,097 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। दौरान निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच काफी सक्रिय नजर आए। इस बीच ब्लॉक के बड़ा गांव ग्राम सभा की महिला ग्राम प्रधान द्वारा एक महिला कर्मी द्वारा उसके मतदान पर्चे से छेड़छाड़ और मतदान प्रभावित करने के आरोप लगाए गए। आरोप को सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा ट्वीट किए जाने के सवाल पर जिलाधिकारी गाजीपुर मंगला प्रसाद सिंह ने बताया कि ये निराधार आरोप है। वहां सब कुछ सीसीटीवी की निगरानी में हो रहा था और वहां पूरे टाइम एसडीएम खुद मौजूद थे। यहाँ प्रारंभ हुआ सुबह 8 बजे और सायं 4 बजे तक शांतिपूर्वक मतदान चला। 98.8% वोटिंग हुई है और सभी मतदान केंद्रों पर मतदान शांतिपूर्वक और निष्पक्ष संपादित हुआ, सुनिश्चित हुआ है। मैं और पुलिस अधीक्षक स्वयं कई ब्लॉकों पर चक्रमण करते रहे। हमारे एसडीएम, एडीएम, वीडियो और अन्य अधिकारीगण वहाँ तैनात रहे। सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने अच्छा काम किया और छोटी मोटी कहीं से टेलीफोनिक सूचनाएं मिलती रहीं, हम लोगों ने उसका निराकरण भी करते रहे, बट पूरे जिले में ओवरऑल शांतिपूर्वक मतदान संपन्न हुआ। मऊ जनपद में एक भाई ने अपने ही चचेरे भाई का बाथरूम में गला काट दिया और फिर उसके शव को बोरे में भरकर नदी किनारे जला दिया। इस मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आरोपी युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर मामले की जाँच में जुट गई। खालिसपुर गांव है, सराय लखनसी थाना अंतर्गत, तो वहाँ से सूचना आई थी। लोगों ने बताया है, मुस्लिम परिवार है, कि चचेरे भाई बहन है, तो चचेरे भाई ने अपनी बहन को, लगभग उम्र उसकी 16 साल रही होगी, उसको घर में झगड़ा वगड़ा करते थे लोग, आपस में इन लोगों का परिवारों में झगड़ा था। तो शाम को बाकी लोग घर के मोहम्मदाबाद चले गए थे, उनकी बुआ का कैंसर वैंसर हुआ था देखने, तो घर में अकेला वो था। जो मृतका है उसका भाई नमाज पढ़ने चला गया था रोज़ा इफ्तार करने के बाद, अकेला था, उसको चाकू चूरा था उससे मार के बाथरूम में, और उसके बाद बोरे में भर के अपनी बाइक पे रख के प्लास्टिक में लपेट के और वो जयसिंहपुर के पास तमसा नदी के किनारे ले जाके डाल के उसको जलाया था किसी चीज़ से। संभल में सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने एमएलसी चुनाव में मतदान करने के बाद कहा कि वोट उनका अधिकार है और उन्होंने इसका इस्तेमाल किया। आगे बर्क ने योगी सरकार के खिलाफ बड़ा बयान देते हुए कहा कि यूपी में मुसलमानों के साथ इंसाफ नहीं हो रहा है, वो योगी सरकार से संतुष्ट नहीं है। वोट डालने आए हैं, क्या कहेंगे? वोट मेरा हक है, राइट है, मैंने उसको इस्तेमाल किया। एमएलसी चुनाव में क्या मानते हैं? चुनाव का ये तो रिजल्ट के ऊपर है, मैं क्या मानूं। अच्छा सांसद जी, संभल से समाजवादी पार्टी की जो ब्लॉक प्रमुख हैं सुषमा देवी, उन्होंने आज भाजपा को समर्थन किया है, भाजपा का चुनाव लड़ा रही हैं। ठीक है, उनकी राय है। सांसद जी, अभी अखिलेश यादव जी ने अभी आरोप लगाया था कि जो प्रधानों को सत्ताधारी दल के लोग धमका रहे हैं, क्या कहेंगे उनके बयान को लेकर? अरे भाई, अगर धमका रहे हैं तो नहीं होना चाहिए, और न धमका रहे हैं तो प्रोपेगेंडा गलत है। तो मैं आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दी वर्किंग, मतलब उनके कार्य संतुष्ट नहीं है। आपके मुसलमानों के हित में काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे वो? नहीं कर रहे वो। पूरी समाजवादी काम नहीं कर रही मुसलमानों के लिए, बीजेपी के हाथ में, योगी के हाथ में। आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद योगी। तो इसका मतलब योगी जी यूपी में काम नहीं कर रहे वो? नहीं, यूपी में काम जो है वो अपना कर रहे हैं, अपने हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन मुसलमानों के साथ इंसाफ नहीं हो रहा, यूपी में नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। माफियाओं के खिलाफ प्रशासन का लगातार एक्शन जारी है, जहां रायबरेली पुलिस ने अवैध शराब माफिया आरोपी अमन जायसवाल पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है। वहीं अवैध रूप से अर्जित की गई 2,29,00,000 से अधिक का संपत्ति कुर्क की है। बता दें कि डीएम के आदेश पर कार्रवाई हुई है। मिल एरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत राही क्षेत्र का यह पूरा मामला सामने आया है।
उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की और ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।